मानहानी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब पटियाला हाउस कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानी का केस चलेगा दरअसल अरुण जेटली ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं पर निचली अदालत में आपराधिक मानहानी का केस किया था। उन्होंने यह कदम आप नेताओं की ओर से उन पर दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाने के बाद उठाया था। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि जेटली ने उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि और हाई कोर्ट में सिविल मानहानि के मुकदमे एक साथ दायर किए हैं। दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ नहीं हो सकती, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिविल मुकदमे के चलते आपराधिक मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकती। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की मांग पर ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल और सिविल मानहानि केस अलग अलग हैं। बहस के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक राज्य के सीएम के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ सिर्फ तथ्यों और सबूतों पर विचार कर रहे हैं, बहस उसी दायरे में होनी चाहिए। तो पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ केस चलता रहेगा। हाई कोर्ट ने पहले ही रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। देखते रहिए डीबी लाइव।